ये जो आपने जैसे पंकज जी का जिक्र किया और हम आपके पुराने इंटरव्यू देख रहे थे, आप डेनियल डे लुइस का बहुत जिक्र करते हैं कि यार जैसे आपने इरफान भाई का जिक्र किया कि ये ऐसा, तो ये जो बहुत सफल एक्टर्स हैं है ना, उनसे भी बहुत कुछ, जैसे आप शाहरुख का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल बुला लिया, तो हमने जिनसे भी बात की वो कहते हैं कि बहुत एक वो ही मेक्स यू फील कंफर्टेबल है या ना, वॉर्म्थ है। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जो अपने आप में एक पार सेंटर भी हैं, उनसे आप लोगों ने आपने क्या जोड़ घटाना किया अपने व्यक्तित्व में कि यार ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। वो बहुत कुछ समझ में आता है कि कैसे है। जैसे शाहरुख से जब मिलेंगे ना, तो कोई नहीं है जो शाहरुख खान को मिला हुआ है जो बोलता है कि मिलने अच्छा नहीं लगा मिलके। कोई नहीं है। ही नोज हाउ टू मीट पीपल। वो आप सीख सकते हैं हाउ टू बी कंफर्टेबल एंड थिंग्स। कई बार अनुराग ने मुझे एक बार बताया था, कोई आके उनके सामने शाहरुख को बोल के गया था कि यार तू क्या एक्टर है, तू तो बकवास एक्टर है, तुझे आती नहीं है, इनसे सीखो, इनसे कुछ सीखो करके अनुराग को बोला था। बट ही वॉज सो ग्रेशियस दैट ही टुक इट सो वेल। मतलब ऑफकोर्स वो एग्री नहीं करते आप क्या कर रहे हैं, कि ये ट्रोल वाली बात होगी ना, कि आपने आपने कुछ ऐसे कुछ ऊटपटांग चीज़ें की जस्ट रिएक्शन के लिए। बट ही सो कम्पोज कि उन वो एक एडवर्स रिएक्शन नहीं आया उनसे। ही टुक इट सो वेल। यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स। कि कई बार हम लोग इमोशनली इफेक्ट हो जाते हैं ना। यही होता है ट्विटर पे ज़्यादातर, ये होता है किसी ने एक पत्थर फेंका आपकी तरफ, आप हो गए ए तुम कौन है तो मुझे पत्थर फेंकने वाले हैं। और कुछ लोग होते हैं पत्थर ऐसे चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पत्थर पकड़ लेते हैं और जमा कर लेते हैं। आप उनके साथ क्या करोगे फिर? तो ये सब सीख सकते हैं ऐसे लोग। ये लोग महान इसलिए हैं क्योंकि इनको ये सब करना आता है। दे हैव थिक स्किन एंड दे नो हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड, दे नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ बिहेव विद द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू मीट पीपल। ही इज़ वेरी गुड एट मीटिंग पीपल, इसलिए वो इतने बड़े स्टार हैं। सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, और मुझसे भी बड़े अच्छे तरीके से मिले वो। और इस तरह के जो सो कॉल्ड बड़े स्टार्स हैं, उनमें से किनसे आपकी मुलाकात हुई, यादगार तजुर्बा सोनाक्षी के साथ रहा? मैंने काम किया था। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल, खुश मिजाज, सबके साथ बैठ के गप्पे मारने वाली एक, सब बैठ के खाना वाना खाते थे हम लोग। वो एक था, एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जाता है। कोई ये नहीं कि ये स्टार हैं, ये स्टार की बेटी हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक 2 सेकंड बाद आप भूल जाते हैं आप। वो एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। उससे क्या होता है, काम करने का वो एक जो है ईजी हो जाता है। आपको कहीं नहीं लगता कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो क्या सोचेंगी, या पता नहीं यार ये इनको टच कर सकता हूँ क्या, मैं पूछ सकता हूँ। तो आराम से बैठ के घंटों हम लोग गप्पे गप्पे करते थे और खेलते थे, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब लोगों को कई बार मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती, अब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप चीज़ों को। राजकुमार सच, मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना करियर बनाया, बहुत परिश्रम मेहनत लगी है उसमें। है तो बड़ा टैलेंटेड आदमी वो, और इसमें मेजॉरिटी कंसेंसस है लोगों की कि है उसमें वो स्किल भी है और टैलेंट भी है, बट करियर नहीं बना पाते बहुत सारे लोग। उसने बनाया है करियर, उससे भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ में आप आता है। लोगों ने शैतान में पहली बार साथ में काम किया था, हाँ